प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज दिन की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 4:30 से। तो दोस्तों मेरा तो नहाना धोना हो गया है और आज से अपना दिनचर्या वही शुरू हो गया कि बच्चों का स्कूल और सुबह टाइम से उठना, बहुत आराम हो चुका है। तो दोस्तों सुबह के 4:30 का नज़ारा कुछ ये है। और सीमा भी नीचे झाड़ू लगा रही है, स्टेला भी नीचे भाग चुकी है और यहाँ जो है सबसे पहले होगी पूजा पाठ। तो अभी जो है पहले मैं मंदिर में दिया जलाती हूँ और फिर बच्चों को उठाऊंगी, फिर टिफिन रेडी करूंगी। तो सबसे पहले तोड़ती हूँ पूजा के लिए फूल। दोस्तों सुबह सुबह चिड़िया भी उठ चुकी हैं, चूचू लगा रखी है। यहाँ मैं थोड़े से फूल तोड़ लेती हूँ मंदिर के लिए। तो मैं ऐसे बैलेंस बना के फूल तोड़ती हूँ ताकि बहुत ज्यादा भी ना टूटे। और इसमें जो है एक ही थोड़ी थी, ये अभी थोड़ी देर बाद खिल जाएगा। तो भगवान को जो है मैंने स्नान करा दिया है और अब मैं दिया व्या जलाती हूँ, फिर बच्चों को भी उठाना है। तो पूजा पाठ हो गई है, माता रानी की जोत जल गई है, दिया बत्ती सब हो गया है। तो आप सभी लोग दर्शन करो सुबह सुबह भगवान जी के। जय हो। तुलसी की पेड़ में भी दिया जला दिया है, बच्चों को उठाना है। तो दोस्तों मीठी तो उड़ गई है, ये ब्रश वगैरह कर रही है और मुझे अक्षत को उठाना है। तो इससे पहले जो है कि मैं टिफिन तैयार करूं बच्चों का फटाफट, और मीठी को नहाना है। अभी नहा धो के तब तक मैं इनका लंच तैयार करती हूँ, फिर आपको मिलूंगी जब बच्चे रेडी हो जाएंगे उसके बाद। गाइस मम्मा कुक रेडी कर रही है एंड आई एम रेडी। आपको आउटफिट कैसे दिखाऊं, बट लाइक दिस। आई एम गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड, बट आई एम नॉट एक्साइटेड क्योंकि मेरी फ्रेंड स्कूल से जा रही है। बट कोई बात नहीं, हम लोग अपना टिफिन अपने बैग्स में रखेंगे। ऐसे बच्चों का जो है डेली रूटीन स्टार्ट। इन ड्रेस में देखने के लिए मेरी आंखें तरस चुकी थी इनको, क्योंकि बहुत ज्यादा छुट्टियां हैं। तुम पहनो आपको जल्दी बेटा, बस निकल जाएगी, जल्दी पहनो। अक्षत का टिफिन रखना, पैनिक की बात नहीं, बस निकल जाएगी फिर होगा तुम्हारा पैनिक। हल्के बोलो पापा सो रखे। तो दोस्तों बस आ चुकी है, आज तो खुश है अपने फर्स्ट डे स्कूल जाने के लिए। चलो बेटा नैतिक भी रेडी हो गया। स्टेला तुम नहीं जाओगी आज, स्टेला तो यही चाहती है। तू कुछ ले ले दुकान से, जल्दी चल जा, मीठी बताएगी, जाओ तुम कुछ ले लो। आओ बेटा जल्दी आओ, स्टेला नो इधर आओ, जल्दी आओ स्टेला, हटो हटो। मौसम भी आज थोड़ा खराब सा हो रहा है, मौसम खराब हो रहा है आज, हम ही जल्दी उठ गए। आज 2-3 महीने बाद दर्शन हो रहे हैं आपके, 2-3 महीने बाद। यहाँ रात को सोए नहीं है लोग,
आंटी प्रणाम, कैसे हो? और सब ठीक है री? वाह बहुत मूल तो गजब कर रहा, गजब कर रहा गौ। छुट्टी छुट्टी आ गई हमारे तो? और आज कितना एक्साइटेड है बच्चे सब स्कूल जाने के लिए। सानू दीदी आप भी एक्साइटेड हो? वाह सानू कितनी स्मार्ट बन के आई आज, खुश खुश है। सबसे ज्यादा खुश हो तुम? सबसे ज्यादा खुश है शानू। तो सबसे ज्यादा खुश है देखो शानू, है ना मीठी कू तुम्हारी। फिर वही चेयर जो तुमने वो कर रखी थी उसी में बैठ गए हो? आगे आओ। और प्रिया कैसी रही छुट्टियों? कितने दिन कहाँ कहाँ गए घूमने? कहीं नहीं गए यार, जल्दी निकल गई। जल्दी बाप रे, मेरे को तो दिन काटने मुश्किल हो गए यार। सबसे अच्छा तो आपके रहे होंगे है, तो पहाड़ गई छुट्टियों में, देहरादून गई, बाप रे पहाड़ शादी में, सब जगह तुम ही घुमाए। अब ये बस थोड़ी देर में पूरी भर जाती है ना। अरे शानू दीदी कितना खुश हो रही है देखो, सबसे ज्यादा खुश। जाने के लिए तैयार होगी। बाय। ये सबसे छोटा बच्चा है हमारी बस का ना। मजा आ रहा है स्कूल जाने में? अच्छा लग रहा है। बाय। शानू चाची को बोलना छोड़ देंगे ठीक है? तो दोस्तों चाय पानी के बाद जो है मैंने पूरा खाना वाना सब कुछ बना दिया है और हस्बैंड को खाना वाना खिला के हस्बैंड तो जा रहे हैं आप अपनी शॉप में। स्टेला देखो दास है क्योंकि आज बच्चे नहीं है घर में। चलो ठीक है बाय बाय। तो हस्बैंड का खाना मैंने पैक कर दिया और उनको नाश्ता करवा दिया है। अब जो है दादी और मैं नाश्ता करेंगे। आज घर में ऐसा लग रहा है पूरा सूनापन, ऐसा लग रहा कोई है ही नहीं घर में दोस्तों। और इधर जो है मैंने थोड़े पकौड़े बना रखे हैं आज, जो थोड़े मैं बच्चों के लिए बचा के रखूँगी। तो दोस्तों आज खाने में मैंने बनाई है अरहर मलका की दाल। नहीं मैं डुबके अरहर मलका को रात को भिगो दिया था, सुबह उसको पीस के उसके डुबके बनाए और थोड़े उसके पकौड़े बनाए हैं। और दादी के लिए थोड़ी सूखी सब्जी बना रखी है। दादी को अब मैं पहले नाश्ता कराती हूँ, उसके बाद जो दोस्तों आजकल जो है मेरा शेड्यूल अब फिर नवरात्र के बाद से फिर बिजी हो जाएगा क्योंकि आजकल जो है ब्राइडल मेकअप की बुकिंग आने लगी है। तो दोस्तों आजकल बुकिंग चल रही है जो अप्रैल है, इसमें बहुत शादियां हैं। तो फिर बीच में आपको सारे मेरे पार्लर के ही ब्लॉग देखने को मिलेंगे क्योंकि सुबह से वही रूटीन रहेगा डेली, पार्लर मेकअप फेशियल मेकअप प्री ब्राइड। तो दोस्तों ये सब कुछ काम रहेगा। तो अब पहले मैं दादी को नाश्ता कराती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ पार्लर में क्योंकि पार्लर में आज मुझे बहुत सारी सेटिंग करनी है। सेटिंग ये करनी है कि देखना है कि मेकअप का सामान क्या ख़त्म है क्या नहीं है, क्या मंगाना है, जूड़ा पिन वगैरह। और आज थोड़े बहुत जो मेरे गर्मियों के कपड़े थे वो मैंने निकाले और सर्दियों के बैग में डाल दिए। सर्दियों के कपड़े जो ऐसे वाले हैं जो हम थोड़ा भी नैनीताल वगैरह जाएं वो उसमें सेट कर रखें। और ये एक मेरी ड्रेस है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, इसको मैंने थोड़ा सेट करना है। भले थोड़ा सा लूज़ हो गई मुझे, यानी कि मैं पतली हो गई हूँ दोस्तों, तो उसकी थोड़ी सेटिंग करवानी है। बाकी आज बच्चे नहीं है तो सारा काम फटाफट हो रहा है, वरना अभी तक तो बच्चे उठते ही हैं उठो उठो कहने के बाद। तो अब मैं पहले दादी को नाश्ता कराती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों नाश्ता वास्ता कराने के बाद जो है घर का सारा काम कम्प्लीट हो गया और झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब हो चुकी है। और गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है कि मेरे फूल जो है वो भी सूख जा रहे हैं यहाँ पे धूप से, ये देखिए। और बाकी सारा कुछ हो गया। तो दोस्तों जैसे कि अब कुछ ही टाइम बाद नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके लिए हमने जो है घर का काम मतलब साफ़ सफाई शुरू कर दी है। तो आज जो है किचन के सारे डब्बे वगैरह धुले हैं, मतलब थोड़े आज हमने इतने धो लिए, थोड़े और धुलेंगे। मतलब रोज़ जो है थोड़े थोड़े हमने सोचा कि चार चार पांच पांच डब्बे रोज़ थोड़ा थोड़ा धोते रहेंगे तो हमको भी ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा और आंटी भी थक जाती है ज़्यादा काम करने से। तो मैंने कहा चलो चार चार पांच पांच करके धोएंगे। तो पहले हमारी इधर वाली ड्रॉर के कुछ डब्बे धुल चुके हैं, फिर धीरे धीरे इधर, फिर इनकी बाहर से सफाई होगी और किचन की सफाई हम पहले स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि नवरात्रि जल्दी आने वाले हैं। दोस्तों इधर जो है घर की पूरी सेटिंग हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ खिड़की दरवाजे बंद कर दूँ क्योंकि इतना ज़्यादा धूल दिन भर घर में घुस जाती है कि पूरे घर में लगता ही नहीं कि डस्टिंग हो रखी है। आजकल इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। तो ये है कि मैं ये सब कुछ सेट करके अब मैं मिलूँगी आपको पार्लर में। तो पहले मैं जो है घर का सारा काम समेटने वाला कर लेती हूँ क्योंकि तब तक रेनू है पार्लर में, और कर्टन वगैरह दरवाजे वगैरह सब बंद कर लेती हूँ तो फिर आपको मिलती हूँ। तो आ गए मेरे बच्चे स्कूल से, कैसा रहा मेरे बच्चे का दिन? अच्छा हाँ ए तो क्या हुआ? ए हाँ रुक जा बता रही है एक मिनट। मैं सिक्स्थ था, हाँ तो कुछ नहीं ठीक हो रहा हूँ। असेंबली करके आया सिक्स्थ, चल बच्चे आए रे फिर करूंगी। सिक्स्थ से असेंबली करके आया फिर मुझे कोई बुलाया कि तुम्हारा तो सेकंड सिक्स्थ है,
फिर मैं 6 में गया। तो 6 ई में नहीं था? 6 ई में नहीं है, वो ग्रुप डिलीट करना है। मैम ने बोला वो दो ग्रुप आए थे, तुमने एक ग्रुप खोल दिया उसमें से। तो पुराना ग्रुप तो हमने डिलीट कर दिया, मैम फिर से ज्वाइन कर देगी। आ चुके हैं पार्लर में और यहाँ इनका करना है मुझे हेयर कट। तो दोस्तों इनके बालों की लेंथ जो है बहुत अच्छी है, तो मैं सोच रही हूँ अच्छा सा हेयर कट दे दूँ इन्हें, जो ये शादी वादी में भी जाए तो हाफ क्लच में भी अच्छा लगे। तो अब मैं करती हूँ इनका अच्छा सा हेयर स्टाइल, नहीं हेयर कट सॉरी। दोस्तों पार्लर से जा चुके हैं क्लाइंट, हेयर कट भी हो गया है, मैं उनका वीडियो बनाना भूल गई। और इधर जो है मैं थोड़ा अक्षत की मैम को कॉल कर रही हूँ, क्योंकि अक्षत को जो है बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि हेयर कट के बाद 2-3 क्लाइंट और आ गए थे, तो उसके मैं जल्दी बाजी में वीडियो नहीं बना पाई। तो दोस्तों पार्लर से फ्री होके अब मैं जा रही हूँ अंदर, और मीठी लेने लग गई है हाँ चीज़। इस चला देखिए मेरा बॉडी गार्ड, दादी अपनी उसी एक्शन में टीवी देख रही होगी नाटक, कुहू स्कूल से आने के बाद इसी स्थिति में बैठी हुई है, और दादी का यहाँ चल रहा है नाटक। कौन सा नाटक चल रहा है? भाग्य कुमकुम, गुम है किसी के प्यार में। तो दोस्तों मेरी सासू माँ देखती है गुम है किसी के प्यार में ये। तो अब चल रहा है टाइम बच्चों की पढ़ाई का, यानी कि पहले अक्षत जो है अपना टाइम टेबल सेट कर रहा है, उधर मीठी अपना टाइम टेबल सेट कर रही है, और हस्बैंड भी आ चुके हैं, और अब मुझे करनी है खाने की तैयारी, और सुबह के टिफ़िन की भी तैयारी करनी है इनके साथ में, क्योंकि कल से स्कूल है इनका। और मीठी की कुछ बुक्स थी जो आ गई हैं, क्या कितनी बुक्स थी तेरी, पूरे चेक कर लेना बेटा पहले अच्छे से। हाँ और ऐसा एक उसके पास है। तो दोस्तों बच्चों का जो है स्कूल का सेटिंग करनी है मुझे, और कल फिर वही दिनचर्या हमारा सुबह जल्दी उठना, तो आज छुट्टी, फिर 2-4 दिन की छुट्टी है। तो दोस्तों अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, कल मिलेंगे अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। और अब मैं बहुत थक भी चुकी हूँ, क्योंकि पार्लर में फिर एक के बाद एक क्लाइंट, आईब्रोज और हेयर कट, आज आईब्रोज और हेयर कट वाले क्लाइंट ज़्यादा थे। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट।